आवारा कुतिया की पत्थरों से मार मार कर हत्या। प्राणी मित्र संगठनों की शिकायत पर मानपाड़ा पुलिस ने किया मामला दर्ज। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक व्यक्ति द्वारा बड़े बड़े पत्थरों से एक नाले के किनारे बैठी आवारा कुतिया को पूरी तरह से मारने का एक वीडियो सामने आया है। कल्याण पूर्व के हाजी मलंग रोड स्थित पिसौली गांव का ये 50-50 ढाबा जो है, वहां पर एक नाला है, उसी नाले के पास का वीडियो है। आसपास अच्छी खासी आबादी है और एक व्यक्ति आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पत्थर उठाकर इस कुतिया को मारता है। हालांकि वीडियो बनाने वाला और अन्य कई लोग इस व्यक्ति को रोकते हैं, मना करते हैं, अंकल रुक जाओ, ऐसा मत करो कहते हैं, लेकिन यह व्यक्ति रुकने का नाम नहीं लेता। ये वीडियो 16 दिसंबर का है, वारदात भी 16 दिसंबर को ही घटी है और इस संबंध में जैसी ही जानकारी एलाइज फॉर एनिमल नाम के प्राणी मित्र संगठन को मिली तो इसकी सोनाली वाघमारे नाम की जो एक्टिविस्ट है उसने डोंबिवली के मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में ओम प्रकाश सिंह, जिस पर पत्थर मारने का आरोप है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है, उसे नोटिस दिया है। क्या जानकारी दे रही है पुलिस इस संबंध में, वो भी हम इस वीडियो के साथ में आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ओम प्रकाश सिंह द्वारा पत्थरों से मारकर घायल करने के बाद इस कुतिया को प्राणी मित्र संगठन ने अस्पताल में दाखिल किया था, लेकिन इलाज के दौरान इस कुतिया की मौत हो चुकी। अंकल को बचाना हो बचाओ, नहीं तो ये कुत्ते का तो पता नहीं, वो जरूर जेल में जाएंगे। वीडियो बना रहे, आप पे कंप्लेन हो जाएगी, मत करो इसे। अरे अंकल पागल हो क्या? अंकल मत मारो। अरे अंकल मत करो इसे। अरे अंकल मत करो ना, पागल हो क्या? अरे अंकल वीडियो बना रहे, अंकल वीडियो बना रहे, मत करो। अरे अंकल मर जाएगा, वो यही पास आएगा। अरे अंकल मत करो ना अंकल, अरे अंकल रहने दो ना, अरे अंकल मत करो अंकल, आपको समझ में नहीं आता क्या? अरे अंकल उसका भी जान है अंकल, अरे अंकल मत करो। अरे मर गया, अरे मारा करो। हाजी मलंग रोड च्या नाल्याजवळ एक भटक्या कुत्र्याच्या अंगावर इसम नामे ओम प्रकाश मुन्शी सिंग या इसमाने भला मोठा दगड त्याच्या डोक्यात घालून त्याला गंभीर जखमी केली होती आणि त्या कुत्र्यावर उपचार चालू असताना कुत्रा मयत झालेला आहे। तर एक एनजीओ याने कंप्लेंट दिल्यानंतर सदर इसमाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून 429 बादवी प्रमाणे व प्राण्यास क्रूरतेने वागण्यास प्रतिबंध अधिनियम या कलमान्वये त्याच्यावर कारवाई करण्यात आलेली आहे। सदर गुन्हा दाखल असून अधिक तपास चालू आहे। Thank you.